आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप कैसे पेमेंट हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे कि आपका जो है पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या पेंडिंग है या फेल है या कंप्लीट है, वो मैं आपको इस वीडियो में एक ही क्लिक में दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना। मेरे चैनल पे पर डे नया नया वीडियो अपलोड होते रहता है और मेरे वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज प्राप्त होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा, अगर जो है आप पीवी से आधार कार्ड के लिए ऑर्डर करते हैं तो पेमेंट जो कटाते हैं तो आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, पेंडिंग में है फेल है, तो आप जो है कैसे उसको चेक करेंगे, तो मैं आपको वही तरीका बताऊंगा। अगर आप कुछ भी पेमेंट करते हैं आधार पोर्टल पर जाके तो आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है या नहीं, पेंडिंग में है या फेल हो गया है, मैं आपको वही प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से बहुत ही ईजी तरीके से पेमेंट हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे, वो भी आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से। तो इस वीडियो में आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर बनिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। मैं आपको एक ही क्लिक में बताऊंगा किस तरीके से जो है आप पेमेंट हिस्ट्री को आप एक ही क्लिक में कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है या नहीं, पेंडिंग में है या फेल है। तो इस वीडियो को भैया आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, कम्प्लीटली जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो पेमेंट किए हुए हैं तो वो आपको पेमेंट हिस्ट्री में आपको पेड दिखाता है या फेल दिखाता है या पेंडिंग दिखाता है, तो वो आप कहाँ पे चेक करेंगे आधार कार्ड के न्यू पोर्टल में। तो इसके लिए क्या करना है, कोई ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है UIDAI। यहाँ पर देखिए कि UIDAI.gov.in आ गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए कि UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन होके आ चुका है और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको मिल रहा है myadhar.uidai.gov.in। ये भी आप टाइप करेंगे तो यही पेज खुल के आएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके वाले पर क्लिक कर देना है। ओके करते यहाँ पर देखिए कि आपके सामने में UIDAI का न्यू पोर्टल ओपन होके आ चुका है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से जाने के बाद जो है आप ढेर सारा काम कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप जो है पेमेंट हिस्ट्री कहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका पहले बोलता है कि आपको पहले आधार नंबर इंटर करने के लिए, तो आपको जो भी आधार है वो आधार नंबर यहाँ पर इंटर कीजिए, ये कैप्चा है, आपको कैप्चा यहाँ पर डालना है। इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल के यहाँ पर आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए कि आपके मोबाइल पर OTP गया होगा, यहाँ पे एक मिनट का टाइम रहता है, तो यहाँ पे एक मिनट में अपना OTP यहाँ पे इंटर कर देंगे। OTP डालने के बाद सिंपली यहाँ लॉगिन बार पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आप जो है इस पेज पे जाके यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे पेज जो है ओपन हो रहा है और यहाँ पे देखिए कि आपके सामने में ये पेज ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे आप अपना जो आधार कार्ड देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए कि आपका आधार कार्ड आ चुका है। यहाँ फ्लिप आधार कार्ड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बैक साइड का आपको शो कर देगा। यहाँ फ्लिप फिर से दोबारा से कीजिएगा तो यही पेज आपको सामने में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आधार कार्ड जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पे जो है अपडेट आधार ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और लैंग्वेज जो है आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने हैं वो सब जो है अभी जो है लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन भी देख रहे होंगे, तो ये सभी लॉक है। यहाँ पे आप दो ही काम कर सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप जो है पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप पेमेंट हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको SRN नंबर आ गया, ट्रांजेक्शन ID आ गया, पेमेंट डेट आ गया, कब आप पेमेंट किए हुए हैं, और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस आ गया कि आपका जो पेमेंट है फेल है, पेंडिंग है या आपका हो गया। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा, यहाँ पे देखिए कि पूरा जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो है आपका फेल है, फेल है, फेल है, और यहाँ पे जो आपको फेल भी शो हो रहा है और यहाँ पे पेंडिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे मोर डिटेल वाले पे क्लिक करके यहाँ व्यू वाले पे आप उसका डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है कौन सा पेमेंट किए हुए हैं, कितना किए हुए हैं, कौन सा डेट में किए हुए हैं और यहाँ पे नाम क्या है, यहाँ पे फेल है शो भी आपको यहाँ पे शो कर देता है। तो एक स्टेप आपको पीछे फिर से आना है और एक स्टेप और आपको पीछे आना है और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो भी
जो पेमेंट किए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे नीचे शो होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप जो है आधार अपडेट किए हुए हैं, आधार अपडेट किए हुए हैं तो क्या चीज़ के लिए जो है आप पेमेंट किए हुए हैं, यहाँ पे देखिए एड्रेस है, यहाँ पे देखिए नाम है, यहाँ पे देखिए कि आपको जेंडर है, तो इतने सारे जो है यहाँ पे आपको शो होता है। तो जैसे ही यहाँ पे जो है आप जो है एड्रेस वाले पे क्लिक कीजिए तो पूरा यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपका जो पेमेंट हुआ है या नहीं है। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट को कैंसिल किया हूँ तो ये यहाँ पे कैंसिल है। जैसे यहाँ पे आपको जो है पेड हो जाता है तो इसके नीचे जो है आपका पेड शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए कि हम जो है ऑर्डर आधार PVC किए हुए हैं तो यहाँ पे देखिए पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से आपको जो रहेगा वो यहाँ पे पेमेंट रहेगा, अगर आपका फेल रहेगा तो वो आपको फेल दिखाएगा और यहाँ पे जो है पेंडिंग रहेगा तो पेंडिंग दिखाएगा, और कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट कैंसिल जो है इस तरीके से शो कर देगा। तो ये मैं जो है ऑर्डर PVC किया हुआ हूँ आधार कार्ड के लिए, PVC आधार कार्ड, तो यहाँ पे पेमेंट जो सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो रहा है। इसका डिटेल देखने के लिए इस पर क्लिक कीजिए, आपको पूरा डिटेल दिखाई दे देगा कि आप जो है कब पेमेंट किए हुए हैं। तो इसी तरीके से गैस जो है आप जो है आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप जो पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं कि आप जो है पेमेंट किए हुए हैं, फेल है, पेंडिंग है या आप कैंसिल किए हुए हैं, वो सारा कुछ जो है यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करके वो सारा कुछ आप यहाँ से एक ही क्लिक में देख सकते हैं। तो गैस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अब तो आप अच्छी तरीके से ये सीख ही लिए होंगे या किस तरीके से आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप पेमेंट हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं, फेल है या पेंडिंग है या कम्प्लीट है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।